अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फ्रंट फुट विद यासर हमीद। मेरे साथ आज हैं द वन एंड ओनली शुएब भाई। ब्यूटीफुली ड्रिवन थ्रू द ऑफ साइड, पिक्चर परफेक्ट वाज यासर हमीद। शुएब भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक यार, ठीक ठाक ठीक ठाक, तगड़ा। ट्रेनिंग ज़बरदस्त माशाल्लाह चल रही है। हाँ कर रहे हैं, ना करें तो मर जाएंगे। मैंने भी ट्रेनिंग स्टार्ट की है कल से वैसे शुएब भाई के साथ, और मज़ा आता है भागने में। शुएब भाई अच्छा, शुएब भाई क्या लगता है, टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट तो अच्छा लिया पाकिस्तान टीम ने, व्हाट यू थिंक अबाउट फ्यूचर टेस्ट मैच? एंड बस ठीक किया है पाकिस्तान ने, चार सेशन जीता, एक सेशन आज टेस्ट मैच हार गया। अगेन पाकिस्तान नीड्स टू गो आउट देयर, प्ले वेल, अग्रेसिवली खेले, डिफेंसिव माइंड सेट के साथ खेले, विकटें लेने जाए, रन बनाने जाए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज़ ऑल द चांसेस टू कम मेक अ कमबैक इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। बट अगेन पाँचवें दिन के बाद ये इनका एटीट्यूड, इनकी डिफेंस, इनकी इनका माइंड सेट, इनकी सिलेक्शन से पता चल जाएगा पाकिस्तान टीम क्या करने जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे टेस्ट मैच हम इकट्ठे भी खेले, और हमने देखा है कि जब अपोजिशन की बैटिंग जब इस तरह की रिजिस्ट करती थी तो हम लोग फास्ट बॉलर्स को ला के उनसे अटैक करवाते थे, और अटैक भी ऐसा होता था कि एक बाउंसर करो एक यॉर्कर करो, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आप क्या समझते हैं, आपको लगता नहीं है कि अज़हर अली से थोड़ा सा एग्रेशन में और थोड़ा सा प्लान में थोड़ी सी चूक हुई है? नहीं, थोड़ा सा शेल में चला गया है, और आई डोंट ब्लेम ही, वो बैट्समैन है, उससे कितना एग्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अज़हर अली को जो लेसन मिल गया है उस लेसन को बहुत अच्छी तरह सीखी। जब हम खेलते थे हम ट्राई आउट करते थे, वसीम वकार, मैं या कोई भी हो, तो हम ट्राई आउट करते थे। तो ट्राई आउट करने का क्या मतलब होता था कि हम कोशिश करते थे कि यार कि इसको हम ये करें ऐसा हो जाएगा, इसको वैसे करें वैसा हो जाएगा, लेकिन पेस ग्रेजुअली अप शाम तक ऊपर ही जाती रहती थी, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम गर्म हो गए ना, बिल्कुल हमारी बॉडी गर्म हो जाती थी, तो हम ऊपर 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 जाते जाते फिर हाई नोट पे फिनिश करते थे। और हम किसी लम्हा में ये नहीं सोचते कि हमने विकेट नहीं लेनी। जब आपका माइंड सेट ये होता है ना, और जब अगर कोई विकेट ना मिल रही हो तो फिर उसके बखियाँ से जा दो, बखियाँ से जाओ। जो भी 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो सारों को मार सकता है, ज़रूरी नहीं आप 150 प्लस करो। बिल्कुल, 140 प्लस वाले बॉलर भी मैंने देखे हैं, वो मार सकते हैं और वो कर सकते हैं। सो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि शेरों की तरह, कि जब आप अग्रेसिवली जा रहे हो, खेल रहे हो, तो आप आउट करने जाएं रादर देन टू डिफेंस करने जाएं। हाँ जी, लाग ना मेरे दगे तकना लार बन जगर। बिल्कुल सही बात की आपने शुएब भाई, और एग्रेशन जो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है उसकी वजह यही है कि कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा कि आपने फास्ट बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करना है। प्लान था लेकिन वो थोड़ा सा शेल में चला गया, थोड़ा घबरा गया, थोड़ा सा घबरा गया, पता नहीं लगा क्या करना। यही 84 रन कराने ना क्रिस वॉक से, पांच बिल्डिंग से करा ले, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो उसकी मर्जी यार, उसका दिन है ना। बिल्कुल, शिकायत यही है कि वो खेल रहा खुली फील्डिंग के साथ। भाई अगर वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो यार उसका दिन है, फिर उसको क्रेडिट दो, उसको क्रेडिट दो। बिल्कुल, अगर वो ओपन फील्डिंग के साथ मार रहा है आपको तो फिर उसको क्रेडिट तो नहीं बनता ना। बिल्कुल, फिर पाकिस्तान टीम का जो कप्तान है या मैनेजमेंट है तो वही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना वो नोट हुई है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का, जो यहाँ पे थोड़ा सा अज़हर अली को चाहिए था कि वो एग्रेसिव होता, थोड़ा सा और चढ़ के आता। एक 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 विकेट की बात थी, क्रिस वॉक्स की विकेट मिलनी थी और हमने टेस्ट मैच जीतना था। खैर एनीवे, विविश के हमारे जो बॉलर्स हैं वो सबक सीखें, लेकिन बैटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो बाबर आजम की फॉर्म से और उसकी जो अप्रोच है, उसके अप्रोच से आप सेटिस्फाई हैं और आप समझते हैं कि वो रन कर लेगा सीरीज़ में? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अगर से बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगेन पाँचवें दिन के बाद हमें पता चलेगा बड़ा बैट्समैन है कि नहीं। टेस्ट मैच पूरा निकालता है तो बहुत बड़ा बैट्समैन, पूरा 150 करता है, 200 करता है, बड़ा बैट्समैन है। बड़े बैट्समैन ऐसे नहीं बनते, रिकी पॉन्टिंग 300 मारता है, विराट कोहली 200 मारता है, विलियमसन पड़ जाता है आपको, फिर वो आपको बारी नहीं देता। मैं बाबर आजम का रिकॉर्ड यही देखना चाहता हूँ कि वो आके मारे आपको और आपको फेंटा लगाए, फेंटा लगा के आपको पिदाए। फिर बिल्कुल बिल्कुल, जब वो पिदाना शुरू करेगा तब मैं कहूँगा यस ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, यस अग्रीड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब टेस्ट मैच फिनिश करना कब सीखेगा, और मुझे पूरा यकीन है ये कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का उसका अप्रोच है, जिस तरह की वो आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। लेकिन हमारे बैट्समैन भी तो चले वेल, लेफ्ट करें अच्छा, छोड़ें बॉल आगे चल के जरा क्रीज टैप करो। हाँ जी, व्हाट्स अप, गो बैक टू योर रन अप,
कमान शो करें कुछ बिल्कुल पता लगे। वो छुपे छुपाए रहते हैं, वो भी चुप रहते हैं, तुम भी चुप, बॉलर भी चुप रहते हैं, बैट्समैन भी चुप रहते हैं, इस तरह तो नहीं क्रिकेट होनी ना। बिल्कुल, एक चीज़ जो मतलब अब जिस तरह आबिद अली है, इसने रन्स किए हुए हैं, पीछे काफ़ी सारे रन्स किए हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करे, अपने आप को बैक करे, बिल्कुल बैक करे, पूरी शॉट मारे, जो एक या दो शॉट हैं उसके पास हैं वो उस पर स्टिक करे और पूरी बना के मारे, जैसे तुमने मेरे इंटरव्यू में कहा पास आके खेले और पूरा फिर बल्ला चलाए। बिल्कुल, या फिर बल्ला नहीं चलाता है तो टाइम करना शुरू करे, पहले 10 ओवर 20 ओवर 30 ओवर टाइम करे, टाइम करे, एक मौका आ जाने जब बल्ला खोलने की जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल तब आपको बात चल जाता है। 60-70 कर ले उसके बाद, 60-70 क्या, दो घंटे की बात है, अपने आप को डिसिप्लिन रखो, एक ही फॉर्म एक ही तरीके से खेलो, अंदर खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, खुद ही रन्स मिलेंगे खुद ही रन्स मिलेंगे। आपको पता ही नहीं लगा शान मसूद ने इतनी अच्छी इनिंग के लिए बड़ी इनिंग खेली है, उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? क्या बड़ा बहुत डिसिप्लिन खेला, उसकी रिक्वायरमेंट जो थी उसने वो पूरी की। अगेन मुझे ये लगा कि यू नो उसको स्लो इसलिए खेलना पड़ गया, बाकी आउट हो रहे थे साथ साथ, तो बाकी उसने अपना काम दिखा दिया बाद में, स्पिनर जब आया उसने लूट लाट के पूरा कर दिया, उसने 150 करके अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अगेन अब मैं ये चाहता हूँ कि वो टीम के रन्स भी करें, अब वो टीम के रन्स करें, मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टीम के रन्स करें ताकि बाकियों पर प्रेशर कम आए, तो बाकियों पर प्रेशर कम आए। सो मैं ये समझता हूँ कि बाकियों पर प्रेशर कम आएगा तो शान मसूद कैन डिलीवर समथिंग गुड। और सातवां बैट्समैन खिलाते हैं, सातवां बॉलर खिलाते हैं, मुझे नहीं पता कल क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की बाकियों पर प्रेशर कम आए, अगर आप इंडियन बैट्समैन को देखें तो धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी पोजिशन हैं और सबके 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार रन हैं। तो इस तरह की अप्रोच पाकिस्तान टीम को भी बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इस तरह आप शान मसूद रन करेंगे, बाबर कर तब जीतेंगे जी, तो बाकी क्या, बाकी लूडो खेलने हैं, लूडो खेलने हैं, बिल्कुल सही बात। यही है ना कि आप कोशिश ये करें कि आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं और अपना पार्ट लगा, जिसका हाथ हथे चढ़ जाए इंग्लैंड टीम उसको चाहिए वो मारे, पूरा लेके जाए, पूरा मारे उसको, और जब मारने जाएगा और लूटने जाएगा तो 150-200 करे, लंबे रन करे। पाकिस्तान का चांस है यासर, बिल्कुल यासर उसका चांस है पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान कैन विन इट फ्रॉम है, बट दे हैव टू प्रूव इट। अब उनके लिए पहले बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, यहाँ से पूरा टेस्ट मैच निकालना, और क्योंकि आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, बट बिल्कुल थोड़ा सा, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे शुएब भाई से, करते रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ जुड़े शुएब भाई। और